हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा जुनीक डायरी में। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ माता गौरी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी कामना है। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज किस दिन पड़ रही है, पूजा के लिए क्या शुभ मुहूर्त है, साथ ही साथ पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, कथा क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत से सवाल होते हैं, पहली बार व्रत रख रहे हैं तो पूजा कैसे करें, व्रत कैसे रखा जाता है, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, ऐसे जो छोटे छोटे आपके सवाल हैं वो सबके जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। हरतालिका तीज भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हरतालिका तीज का व्रत स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और कुछ जगहों पर सुहागिनों के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रहती हैं। इस व्रत में माता गौरी को भगवान शंकर वर के रूप में मिले थे। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर सुहागिनों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। आइए जान लेते हैं 2023 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो तृतीया तिथि की जो शुक्ल पक्ष की है, वो तृतीया तिथि की जो शुरुआत होगी वो होगी 17 सितंबर को रविवार को 11:08 पर शुरू हो जाएगा। सुबह में 11:08 पर 17 को शुरू हो जाएगा और 18 को दोपहर को 12:39 तक तृतीया तिथि रहेगी। ठीक है, 12:40 तक तृतीया तिथि रहेगी, लेकिन उदया तिथि की वजह से ये व्रत 18 सितंबर यानी कि सोमवार के दिन ही आपको रखना शुभ होगा, उसी दिन रखा जाएगा। पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा, तो ये व्रत क्योंकि 18 सितंबर को रखा जाएगा तो 18 सितंबर को सुबह 6 से लेकर के रात के 8:24 तक, समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 6 से रात 8:24 तक शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त समय है। लेकिन शाम को जो प्रदोष काल के समय पूजा करना शुभ माना जाता है, ज़्यादातर लोग जो है प्रदोष काल के समय विधिवत पूजा करते हैं, सुबह में थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं, हालांकि पूरे दिन मुहूर्त है, पूरे दिन पूजा का समय है। शुभ योग क्या है, तो इस दिन कई सारे शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहा है जो पूरे दिन रहेगा 18 तारीख को, साथ ही रवि योग का निर्माण हो रहा है जो दोपहर 12:08 से शुरू होगा और रात्रि तक रहेगा, पूरी रात्रि में रहेगा। ये दो शुभ योग बन रहे हैं तालिका तीज के दिन। कोई शुभ काम करना है, कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत करनी है आपको जो भी, तो इस मुहूर्त में इस दिन आप कर सकते हैं कोई भी अच्छी चीज़। इस दिन पूजा का मुहूर्त आपको बता ही दिया है, सुबह 6:07 से जो है वो रहेगा 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर सुबह में आप पूजा कर रहे हैं तो सुबह 6:07 से 8:34 तक शुभ मुहूर्त है पूजा का। इस दौरान पूजा पाठ से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महत्व क्या है, तो ऐसा माना जाता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ये भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के दिन माता गौरी ने मिट्टी के से शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की पूजा और कठोर तप किया था, इसलिए इस दिन सुहागन की सलामती के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। सुहाग की सलामती के लिए यह व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत कैसे होता है, तो इस बार दोस्तों 18 सितंबर को व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण जो है वो 19 सितंबर को यानी कि मंगलवार को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पारण का दिन 19 तारीख को करना है आपको। यह व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है और अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें, उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। फल खीरा प्रसाद में चढ़ाए गए मिष्ठान से भी हरतालिका तीज व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा करने के बाद ही पारण करना है। पूजा कैसे करना है इस दिन, तो सुहागन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए दिन भर उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। इस व्रत में पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो आप पूजा पाठ जब करने बैठे तो 16 श्रृंगार आपको ज़रूर करना है। घर पर कैसे करना है, तो सबसे पहले पूजा को चौकी को आपको साफ करना है, गंगा जल का उपयोग करें और फिर प्राकृतिक मिट्टी या रेत से माता पार्वती और भगवान शिव और भगवान गणेश की एक एक मूर्ति बनाएं। चौकी को नए लाल सफ़ेद कपड़े से ढक दें। मूर्तियों को एक थाली में रखकर चौकी पर सावधानी से रखें। इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगती है, तो आपको एक नारियल चाहिए होगा, कलश, बेलपत्र, शमी पत्ता, धतूरा, घी, शहद, गुलाब, मजरी, कलावा, 5 फल, सुपारी, अच्छा, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, जनेऊ आदि चाहिए होती है, जो मुख्य चीज़ें पूजा पाठ में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इस व्रत में भोलेनाथ माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर जो है माता पार्वती और भगवान शिव श्री गणेश की मिट्टी से फोटो मूर्ति बनाई जाती है, नहीं तो आप घर में जो आपकी फ़ोटो होती है उसी की पूजा ज़्यादातर लोग कर लेते हैं।
क्या हरतालिका तीज व्रत में पानी पी सकते हैं? तो नहीं, तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के दौरान करीब 26-27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है, यानी कि तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय चतुर्थी तक आपको निर्जला रखना होता है। कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए और खुद को पूजा पाठ में व्यस्त रखना चाहिए। अब अगर कोई मजबूरी है व्रत रखने में, जैसे गर्भवती हैं या छोटा बच्चा है, तो आप पानी पी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। तब आप इसी स्थिति में आप पानी पी सकते हैं। पशुवत आपको पानी पीना होता है, बिना हाथ लगाए मुंह से डायरेक्ट किसी बर्तन में रख के। इस तरह से हरतालिका तीज में किस रंग के वस्त्र पहने, तो शुभ हरे रंग का चयन किया जाता है। लाल रंग के वस्त्र भी आप पहनते हैं। महिलाएं चमकीले रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो लाल हरा या पीला सूट साड़ी या कुर्ता जो भी है लहंगा है, जो ताजगी नवीनीकरण और प्यार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन रंग के कपड़ों को आपको पहनना चाहिए। किसकी पूजा होती है आपको पता है? इस दिन पूरे महिलाएं जो है पीला लाल या हरा कपड़ा पहनकर पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर भगवान शिव और माता की पार्वती की पूजा करती हैं। क्या दान करना चाहिए? तो इस दिन आपको उड़द और चने की दाल करना बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने के बाद ही व्रती महिला को पारण करना चाहिए, इससे उनके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही साथ सुहाग की सामग्री जो होती है, मुख्य सामग्रियाँ, वो आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। इससे आपके सुख सौभाग्य अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब जान लेते हैं दोस्तों, घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि पूरी। तो सुबह ही संकल्प लेकर निर्जल व्रत उपवास रखें, और अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलाहार कर सकते हैं। शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करें। स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती को सौभाग्य के साथ साथ सारा सामान श्रृंगार का जो होता है वो अर्पित करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। जो स्त्रियाँ विवाहित हैं, अपनी सास को या नंद को या किसी ब्राह्मणी को सौभाग्य की वस्तुएँ दें, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना है। अगले दिन आपको इस दिन रात्रि जागरण आपको करना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ होता है। इस दिन आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस मंत्र का 11 माला आपको जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से करें और संपूर्ण श्रृंगार करके ही आपको मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांता कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। हरतालिका तीज मनाने का क्या कारण है, क्यों रखा जाता है, इसकी कथा क्या है, वो इस प्रकार है कि हरतालिका तीज जो है वो भगवान शिव माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की स्थिति देख उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला वो विलाप करने लगी, बहुत ही दुखी हो गई। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ही हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत शिवलिंग का निर्माण किया और शिव भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखते हुए भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छानुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हरतालिका तीज से जुड़े हुए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के परिवार में सुख समृद्धि का वास हो।